नमस्कार वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना को तेजी से मात देने वाले टॉप 10 राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार में 24 घंटे में 13,364 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि देश में बिहार 9वें स्थान पर है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसे काफी सुखद बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश का रिकवरी रेट 81% है। अब तक कुल 1,76,12,351 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 24 घंटे में देश में 3,31,507 लोगों ने कोरोना को मात दी। 10 राज्यों में नई रिकवरी दर 72% आई है, जो नेगेटिव दौर में काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो वहीं बिहार में 24 घंटे में 13,364 लोगों ने कोरोना को हराया। तो बताते चले कि बिहार के लिए एक खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। टॉप 10 राज्यों में बिहार भी अब शामिल हो गया है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 13,364 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। हालांकि देश में बिहार 9वें स्थान पर है, लेकिन फिर भी बिहार के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में संक्रमण बढ़ता जा रहा था और फैसले लेने में काफ़ी देरी की जा रही थी, इससे प्रतीत ऐसा हो रहा था कि लगातार संक्रमण बढ़ता जाएगा। लेकिन काफ़ी सुखद इन मामलों के बीच में ये खबर आई है। बिहार 9वें स्थान पर बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश का रिकवरी रेट 81% है और अब तक कुल 1,76,12,351 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 24 घंटे में देश में 3,31,507 लोगों ने कोरोना को मात दी। 10 राज्यों में नई रिकवरी दर 72% आई है, जो कि इस नकारात्मक दौर में भी सकारात्मक विचार उत्पन्न करती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में रिकवरी दर सामने आ रही है, बेहद राहत भरी खबर इस दौरान देखने को मिल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बिहार के लिए खुशखबरी वाली ये खबर सामने आई है, 9वें स्थान पर बिहार आया है, टॉप 10 में बिहार अब आ चुका है। जिस तरीके से संक्रमण में अब वहां कमी देखने को मिल रही है, रिकवरी रेट सुधार देख रहा है। गौतम, बिहार के लिए एक बेहद ही खुशखबरी वाली खबर है, राहत भरी खबर ये सामने आई है। टॉप 10 में अब बिहार आ चुका है, 9वें स्थान पर हालांकि बिहार है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में संक्रमण बढ़ रहे थे, बेहद राहत भरी खबर ये है जनता के लिए। बिल्कुल, बिहार के लिए अच्छी खबर है। और पिछले कई दिनों से जिस तरह से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे थे, लग रहा था क्या हो रहा है बिहार में, एक तरीके से मरीज इलाज अस्पताल इन तमाम चीजों के बीच लग रहा था कि कब एक अच्छी खबर बिहार के लिए आएगी, कि बिहार की जनता को एक सुखद अनुभव होगा। और एक अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में बिहार के अंदर जो रिकवरी रेट है, यानी कि जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है, उसमें तेजी पकड़ी है। और ये आंकड़े आज सब पिछले कई दिनों से बहुत बेहतर है। पूरे देश की बात करें तो 10 राज्यों के अंदर बिहार का आना एक बड़ी बात है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से लगातार 1,00,000 के करीब करीब जांच हो रही थी, जिसमें तकरीबन 25% से ज्यादा मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे थे। जो मरीज अस्पताल में आ रहे थे वो बाहर जाने में, यानी कि ठीक होकर के रिकवरी होकर के जो बाहर निकल रहे थे, उनकी संख्या में कमी आई थी। और आज का दिन सुबह का वक्त है, सब इस खबर से बेहद खुश है, क्योंकि बिहार के अंदर जो रिकवरी रेट है वो बहुत सुंदर है। इसके साथ ही कुछ आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि 7 मई को अगर संक्रमण की दर की रिकवरी की बात करें तो 12.57% था, जो 79.16% देखने को मिला। 6 मई को भी स्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 जो स्थिति अच्छी हुई और संक्रमण दर की जो रिकवरी रेट है वो अभी जो आंकड़े है वो 30 अप्रैल को देखिए आपकी कितनी भयानक स्थिति में थी, लेकिन 30 तारीख से 1-2-3 और अब जाकर के 78.28%, यानी करीब करीब 78
0.28% की जो ये रिकवरी रेट है, ये पूरे बिहार को 1 to 10 के अंदर इंक्लूड करती है और ये अच्छे संकेत है। एक वक्त था आपको याद होगा कोरोना फेज वन के वक्त में जब ये रिकवरी रेट हमारा 95 point something से ऊपर था, मतलब करीब करीब जो लोग बीमार हो रहे थे वो ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे ही फेज टू आया कोरोना का और ये लगने लगा कि मृत्यु दर बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जब डेथ का रेट बढ़ जाता है, डेथ की जो संख्या बढ़ जाती है, तो रिकवरी रेट में कमी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि रिकवरी रेट में पिछले 10 दिनों में, खास करके पिछले 10 दिनों के अंदर, आज राहत की खबर है कि लॉकडाउन का ये असर देखने को मिल रहा है। और यही लॉकडाउन शायद अगर 10 से 15 दिन पहले लगाए गए होते तो आज रिकवरी रेट और भी बेहतर होता, लेकिन जिस तरह से सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू का की घोषणा की, उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया, तो कहीं ना कहीं जो बीच का संक्रमण है। और एक और अच्छी बात कि कुछ जिलों में जो सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन लगाए गए थे, तो लोगों ने यही पूछा कि क्या कोरोना सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक देख करके नहीं आ पहुंचेगा क्या, तो ये बड़ा अहम सवाल था। और सरकार ने जब ये फैसला लिया कि इस लॉकडाउन के बीच में सिर्फ और सिर्फ अनिवार्य सेवा ही बहाल रहेगी। जी बिल्कुल, इस दौरान कई सवाल भी खड़े हुए थे कि नाइट कर्फ्यू सिर्फ लगा दिया गया है, क्या इससे सिर्फ संक्रमण रुक जाएगा, कई सवाल सरकार पर खड़े हुए थे। जब दबाव सरकार पर पड़ा तब लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसके बाद कई दिनों बाद ही अच्छी खबर सामने आ गई। बिल्कुल, और ये पूरे बिहार के आंकड़े हैं जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के बिहार बहुत अच्छी पहल कर रहा है। और देखिए कल की बात बता दें तो कल 1,07,000 something जो सैंपल की जांच हुई थी, कोरोना के सैंपल के टेस्ट कराए गए थे, तो बिहार 1 लाख के तक पहुंच गया, जहां पर आप 1 लाख लोगों की जांच एक दिन में कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार ये प्रयास कर रही थी, लेकिन 75,000 और 80,000 के बीच में ही जांच बढ़ रहा था, लेकिन जांच का दायरा बढ़ना, लोगों को तक ज्यादा किटे पहुंचना, ये बताता है कि बिहार अब उस बेहतर स्थिति तक जा सकता है। और न सिर्फ जांच, क्योंकि जांच का जितनी तेजी से जांच होगी उतनी तेजी से ये पता चल पाएगा कि बिहार के अंदर संक्रमण कितना ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, अगर पैथेटिक कंडीशन है, बहुत खराब स्थिति में है अगर मरीज, तो उसको किस तरीके से भर्ती कराया जाए, उसको ऑक्सीजन और दवाइयां दी जाए। दूसरी बात क्या है कि जो मरीज की स्थिति बेहतर है, उनकी उम्र कम है, तो ऐसे मरीज होम आइसोलेशन के जरिए, होम क्वारंटीन के जरिए वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं परिवार के लोगों के बीच में रह करके, तो ऐसे में अस्पताल के ऊपर जो वर्डन है वो नहीं पड़ेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर जो संक्रमण का जो खतरा था वो अब लॉकडाउन के लगने के बाद उसके चेन के टूटने से भी बेहतर हो सकता है। जैसे आप देखिए, सरकार ने जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो निर्णय लिया वो बहुत मायने रखता है, एक लॉकडाउन का। दूसरा, लॉकडाउन के अंदर भी अगर कोई किराना की दुकान है, सब्जी की दुकान है, या जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो अनिवार्य सेवा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, अगर उनको किसी फील्ड में स्थानांतरित कर देना, जैसे मीठापुर पट्टा की सबसे बड़ी मंडी है, अंटा घाट है, तो दीघा घाट है, तो यहाँ की मंडियों को विस्तार करके किसी फील्ड में भेज देना, तो वहां पर अब लोग मास्क लगा के जाते हैं, सैनिटाइज करके जाते हैं। तो इस 1 सप्ताह के अंदर बिहार ने बहुत तब्दीलियां की है। अगर 1 सप्ताह, आने वाले 1 सप्ताह तक यानी 7 दिनों तक अगर बिहार इसी तरीके से रिकवरी रेट में इजाफा करता रहेगा तो मरीजों की संख्या भी कमती चली जाएगी और जो जांच का जो दायरा है वो सरकार को ठीक इसी तरीके से बरकरार रखना होगा, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा, मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 1,07,153 लोगों की जांच हुई है, ये एक अच्छी खबर है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा आगे भी जारी रहे और बिहार 10 में 9वे स्थान पर है। जितनी जल्दी, एक वक्त था आपको याद होगा कि पिछले कोरोना फेज वन में यही बिहार की रिकवरी रेट दूसरे तमाम राज्यों से बेहतर थी, तो कहीं ना कहीं अब ये बताता है कि बिहार के अंदर का जो इम्यून पावर है
वो बरकरार रहे, ठीक रहे, तभी बिहार का सेहत और स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी फैसले आनंद फानंद में लिए गए सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि इतनी जल्दी संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से सख्ती बरती है इस लॉकडाउन में, जिस तरीके से पालन करवाया है, तो कहीं ना कहीं ये बेहद सराहनीय है। इतने कम समय में इस पर काबू पा लेना और रिकवरी रेट में सुधार करना, 9वें स्थान पर पूरे देश में अब आ चुका है बिहार, तो कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के लिए जिस तरीके से अच्छी खबर सामने आ रही है, रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है, टॉप 10 में बिहार आ गया है। गुजरात जहां पर रिकवरी रेट देखने को मिल रहा था, सुधार देखने मिल रहा था, उससे आगे भी बिहार आ चुका है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सामने आ रहा था, लापरवाही देखने को मिल रही थी, बेफिक्री देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने सख्ती बरती है, सख्ती से पालन कोरोना गाइडलाइन का कराया है, उसी का ये नतीजा देखने को मिला। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि झारखंड में 5,973 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, साथ ही राज्य में संक्रमण से 136 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए, तो राजधानी रांची में कोरोना के 970 केस सामने आए। इसके साथ ही झारखंड में कुल मामलों की संख्या 2,76,062 हो गई, जिसमें 61,177 सक्रिय मामले हैं। तो वहीं संक्रमण से 3,615 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 2,11,270 लोग इस संक्रमण को मात दे चुके हैं। नए पॉजिटिव केस झारखंड में सामने आए हैं और राज्य में संक्रमण से 136 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर राजधानी रांची की बात की जाए, तो सिर्फ 970 केस इस दौरान सामने आए हैं। झारखंड में कुल मामलों की संख्या 2,76,062 तक पहुंच गई है, इसमें 61,177 सक्रिय मामले हैं। और जिस तरीके से संक्रमण वहां देखने को मिल रहा है, झारखंड में रिकवरी रेट भी उतनी ही सुधरी हुई नजर आ रही है। संक्रमण से 3,615 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। 2,11,270 लोग इस संक्रमण को मात दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट जिस तरीके से सुधर रहा है झारखंड में, ये राहत भरी खबरें हैं झारखंड की जनता के लिए। जितने ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, उससे कई ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार झारखंड में देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से पहल देखने को मिल रही है, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से संक्रमण को काबू किया जाए, लेकिन जिस तरीके से मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 5,973 नए पॉजिटिव केस झारखंड में सामने आए हैं और 970 केस राजधानी रांची में देखने को मिले। एक तरीके से कहा जाए, राजधानी रांची में जिस तरीके का प्रेशर है, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से 2,11,270 लोग संक्रमण को अभी तक मात देकर घर पहुंच चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, तो रिकवरी रेट में भी यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। कुल मामलों की संख्या झारखंड में 2,76,062 हो गई है, इनमें 61,177 सक्रिय मामले हैं। कोरोना का प्रकोप देश के प्रत्येक राज्य में पड़ रहा है और जिस तरीके से इससे निपटने की तैयारी की जा रही है, जागरूकता जनता में फैलाई जा रही है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है और लोग भी अब जागरूक नजर आ रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में रिकवरी रेट अभी तक देखी जाए तो काफी सुधार रिकवरी रेट में देखने को मिला है, लेकिन 136 लोगों की राज्य में अभी मौत हुई है 24 घंटे के अंदर।
रिकवरी रेट की अगर बात कर लें तो आंकड़ा धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ता दिख रहा है, और जहां एक मौका ऐसा आया था कि देश के 10 संक्रमित राज्यों में झारखंड एक हो चुका था, अगर प्रतिदिन के संक्रमण की रफ्तार की बात कर लें या मौतों को आंकड़े की बात कर लें, लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी संभली हुई है और धीरे धीरे जिस तरीके से आंकड़ों में सुधार देखने को मिल रहा है वो अगर हम रिकवरी रेट की बात कर लें या संक्रमण की दर की बात कर लें, कल पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण की दर थी वो 12.29% थी, जो पिछले कुछ दिनों से इस संक्रमण की रफ्तार पे थोड़ी सी लगाम लगी हुई है। जहां राज्य में 5,973 संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 136 मरीजों की मौत हुई, और सबसे अहम बात आपको आस्था बता दें कि रांची, राजधानी रांची जो कि हमेशा से संक्रमित मरीजों की संख्या में सबसे आगे रहा है झारखंड के पूरे 24 जिलों में, वहां से कल जितने मरीज संक्रमित पाए गए हैं उससे अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि संक्रमित मरीज और स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, ये अंतर बस आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा है, आंकड़ों के खेल चल रहे हैं, और माना यह जा सकता है कि झारखंड अब एक सुधार की तरफ या स्वस्थ हो रहे झारखंड की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भयावह स्थिति पहले देखने को मिलती थी, संक्रमण जिस तरीके से बढ़ता हुआ झारखंड में दिखाई देता था, आंकड़ों में जिस तरीके से उछाल दिखाई देता था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसको जल्दी काबू नहीं कर पाएंगे, संक्रमण को जल्दी काबू करना बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वहां पर पहल की है, सरकार ने कोशिश की है, बहुत जल्द ही संक्रमण पर काबू पा लिया गया है और बहुत जल्द ही रिकवरी रेट में सुधार कर लिया गया है। कई सारी वजहें जिम्मेदार हैं, जहां 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई, उसके बाद के अगर परिस्थितियों की बात कर लें तो राज्य के कई सारे व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने उसके पहले से ही सेल्फ लॉकडाउन कर रखा था राज्य में, उसके बाद 22 तारीख से राज्य लॉकडाउन के में चल रहा है, पाबंदियां दूसरे सप्ताह में थोड़ी और बढ़ा दी गई हैं, या अभी हम तीसरे हफ्ते में चल रहे हैं, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरीके से वृद्धि की जा रही है, लोगों में जागरूकता आई है, और सबसे अहम बात यह है कि अब धीरे धीरे आम जनता है वह मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग दोबारा से करना उसने शुरू कर दिया है, और जाहिर सी बात है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग करने से संक्रमण के बढ़ने का खतरा खुद ब खुद कम हो जाता है, और दूसरी तरफ जो संक्रमित मरीज हैं उनका सही तरीके से उनकी देखभाल की जा रही है, उनका इलाज हो रहा है, तो नियंत्रण शायद उस वजह से भी है। अब एक समस्या है राज्य के सामने, उस समस्या से राज्य कैसे निकल पाता है यह समय बताएगा। राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और जिस तरीके से राज्य सरकार के इंतजाम होने के बावजूद प्रवासी मजदूर बिना जांच कराए हुए अपने घरों को लौट जा रहे हैं, वह एक दुखद स्थिति है, क्योंकि जो भी मजदूर आ रहे हैं उसमें सैकड़ों की संख्या है, ट्रेनों से उनका झारखंड में प्रवेश हो रहा है, और इन परिस्थितियों में आप देखें तो जो संक्रमित मरीज होंगे या संक्रमित मजदूर होंगे वह अगर अपनी जांच कराए बगैर अगर अपने घरों तक पहुंचते हैं तो संक्रमण बढ़ने का खतरा बरकरार रहेगा, और जो संक्रमण अभी तक ग्रामीण इलाकों में बहुत कम पहुंचा है वो ग्रामीण इलाकों तक अगर पहुंचता है तो वहां से फिर इलाज तक उन मरीजों को लेकर आना थोड़ा कठिन प्रक्रिया होगी, और इससे नुकसान थोड़ा ज्यादा होने की संभावना बन रही है। तो जाहिर सी बात है सरकार को इस मुद्दे पर काम करने की जरूरत है, ताकि जो भी प्रवासी मजदूर झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं बिना जांच कराए वो रेलवे स्टेशन या राज्य सरकार की सीमा में उनका प्रवेश संभव ना हो सके। आस्था जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर अगर बिना जांच के अपने घर लौट जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों से जो मजदूर होंगे वहां पर भी संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा, तो जिस तरीके से अभी काबू पाया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
जिले में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस भी काफी सख्ती दिखा रही है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन मामले में अब तक कुल 126 वाहनों से 1,38,000 रुपए जुर्माना वसूला। इन वाहनों में बड़ी संख्या में ऑटो, कार और बाइक भी शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लेकर 15 मई तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। इस नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए जिला पुलिस लगातार अभियान चलाकर जुर्माना वसूल रही है और इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। लॉकडाउन लगा है, विगत आज तीसरा दिन है, तो अभी तक जो है 126 गाड़ियों का जो है ट्रैफिक थाना से जब्त करके चालान काटा गया है। 2 से 2.5 दिन का जो अंतराल है अभी चल रहा है उसमें। रामगढ़ छावनी परिसर की ओर से रामगढ़ के फुटबॉल मैदान, ब्रिगेडियर पुरी पार्क, न्यू बस स्टैंड पर कोविड-19 का टेस्टिंग कैंप लगाया गया, जिसमें दवा वितरण और 45 साल से ऊपर वालों को टीका देने की व्यवस्था की गई। इस कैंप में प्रत्येक दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी को मिलकर सैकड़ों जनताओं का कोविड जांच किया जाता है। बता दें कि जांच के दौरान जो पॉजिटिव निकलते हैं उन्हें छावनी परिषद की ओर से निःशुल्क दवा की किट दी जाती है। एक फुटबॉल ग्राउंड में अपना लगा हुआ है कैंप, एक का भी और टीका कर, और एक अपना लगा हुआ है पार्क में। सबसे अच्छी उत्तम व्यवस्था रामगढ़ की छावनी परिषद की है। दूरी है, चेक का अलग है, सुई का अलग है, बैठने का अलग है, सारी व्यवस्था यहाँ है। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है? टीकाकरण जा रहा है और कोविड चेक का प्रोसीजर है, जिसमें 5 मिनट में रिजल्ट मिल जा रही है। संपूर्ण बिहार में एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं शराब माफिया शराब की बड़ी खेप जमा कर बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को मजाक बनाते हुए व्यापार करने में लगे हुए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जमुई पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने गढ़वा कटौना गांव में एक घर पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब का स्टॉक छुपाया था। तो वहीं इस छापेमारी में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर DIU जमुई की टीम, मलयपुर थाना अध्यक्ष DIU की टीम में अनी राजवर्धन कुमार है और मलयपुर थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गढ़वा कटौना से अमरेंद्र नारायण सिंह के घर से करीब 118 कार्टून सुपर गोल्ड विस्की बरामद किया गया है। औरंगाबाद के मदनपुर थाने के उचौली गांव स्थित इलाहाबाद की ब्रांच में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है, जिसमें कंप्यूटर सहित अन्य सामान जल कर राख हो गया। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जाँच पुलिस कर रही है। तो आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। इस आग में कई सामान जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। औरंगाबाद में बैंक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है
औरंगाबाद के मदनपुर थाने के उचौली गांव स्थित इलाहाबाद के ब्रांच में अचानक आग लगी है और इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है, लेकिन कैसे आग लगी है इसकी अभी पुलिस जाँच कर रही है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।